जीएसटी के आने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मिलेगा प्रोत्साहन। वस्तु एवं सेवा कर के आ जाने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन और साथ ही साथ जीएसटी लगाएगा रियल एस्टेट में सुधार। हाउसिंग फॉर ऑल के बाद जीएसटी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जीएसटी के आने से पारदर्शिता आएगी और साथ ही साथ ग्राहकों में विश्वास भी जागेगा। जीएसटी की वजह से टैक्स पॉलिसी सरल हो जाएगी, जिसके चलते ज्यादातर एनआरआई रियल एस्टेट में निवेश करना चाहेंगे। क्रेडाई ने आशीष पुरावंकारा को नियुक्त किया बेंगलुरु अध्याय के प्रेसिडेंट के लिए। एक बड़े फैसले में कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु अध्याय के लिए आशीष पुरावंकारा को नियुक्त किया है प्रेसिडेंट। इससे पहले वे पुरावंकारा लिमिटेड के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी खुशी जताई और ये भी कहा कि क्रेडाई जैसे बड़े संगठन को उद्योग की आवाज़ बनकर सामने आना चाहिए। द्वारका एक्सटेंशन बनता जा रहा है घर खरीदारों की पसंद। द्वारका एक्सटेंशन में घरों के दाम बाकी एनसीआर के मुकाबले आधे हैं, जिसके चलते ये जगह घर खरीदारों के लिए पहली पसंद बन गई है। द्वारका एक्सटेंशन से हर जगह की कनेक्टिविटी पास है और साथ ही साथ यहाँ पर आधारिक संरचना भी विकसित हो रही है, जिसके चलते लोग यहाँ निवेश करना चाह रहे हैं। यमुना अथॉरिटी ने बढ़ाया अपना सालाना बजट, कहा ज़्यादातर बजट इस्तेमाल होगा भूमि अधिग्रहण में। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निर्णय लिया है कि वे अपने बजट में से ज़्यादातर हिस्सा भूमि अधिग्रहण में लगा देगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरह यमुना अथॉरिटी ने सालाना बजट को कम नहीं किया है, बल्कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ज़्यादा बजट लगाया है सभी कामों को पूरा करने के लिए। इस साल यमुना अथॉरिटी का सालाना बजट है 4,156 करोड़ रुपये। देश के 8 बड़े शहरों में देखी गई नए घरों के लॉन्च में गिरावट। कुशमन एंड वेकफील्ड की एक रिपोर्ट में ये निकलकर सामने आया है कि देश के 8 बड़े शहरों में नए घरों के लॉन्च में गिरावट आई है। करीबन 16% की गिरावट को नए घरों के लॉन्च में देखा गया है। अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2017 तक 8% की गिरावट देखी गई है। वहीं पर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल के पहले 3 महीने में उछाल देखा गया है।